नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जानकारी CHA को लेकर के बताने वाले हैं। CHA जो लगे हुए हैं राजस्थान में कोविड स्वास्थ्य सहायक, उनकी लगातार एक ही समस्या आ रही है। सबसे बड़ी समस्या उनके वेतन को लेकर के है, जो भी 7,900 रुपये भी उनको नहीं मिल पा रहे हैं, उसी को लेकर के अपडेट है। क्या है पूरी जानकारी, ये अपडेट है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो नगर परिषद ने जमा कराए 47 लाख रुपए। ये खुशखबरी होगी CHA के लिए कि नगर परिषद ने जमा कराए 47 लाख रुपए और उनको वेतन का भुगतान किया गया। क्या है पूरी अपडेट, ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना अब समाप्त हो गया है। उनको वेतन की जो मिलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। इसी को लेकर के पूरी न्यूज़ देख लेते हैं। 12 जिले का ये अपडेट है दोस्तों, पत्रिका न्यूज नेटवर्क से 12 जिले का ये अपडेट है। इसमें बताया गया है कि 5 माह के मानदेय के भुगतान को लेकर बुधवार रात से नगर परिषद में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे शहर में पदस्थ कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना गुरुवार शाम को समाप्त हो गया। नगर परिषद ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाते में इनके मानदेय के लिए 46,87,096 रुपये जमा करा दिए। नगर परिषद आयुक्त मनोज कुमार मीणा की यह जानकारी देने के बाद कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने धरना समाप्त कर दिया। कोविड स्वास्थ्य सहायकों की अगुवाई कर रहे प्रदेश चावला ने बताया कि 12 शहर में करीब 5 माह पूर्व 120 कोविड स्वास्थ्य सहायक मानदेय सेवा के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने तैनात किए थे, जबकि मानदेय का भुगतान नगर परिषद की ओर से किया जाना था। चिकित्सा विभाग के बारे में बार बार तकाजे के नगर परिषद मानदेय के भुगतान में रुचि नहीं दिखा रहा है, ऐसे में मजबूरन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया। तो दोस्तों आप देख सकते हो 12 जिले के अभ्यर्थियों को वेतन अब मिल जाएगा दोस्तों। 5 माह से इनका वेतन बाकी था। बड़ी खुशखबरी कहना चाहूँगा कोविड स्वास्थ्य सहायकों के लिए। ये खुशखबरी तो क्या है, इनका जो वेतन है वही तो मिला है। इन्होंने जो काम किया है उसका परिश्रम किया है, उसकी मेहनत का फल ही इनको मिला है दोस्तों। काफ़ी जिले ऐसे हैं जहाँ पर इनको अभी तक मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है, तो उनसे बताना चाहूँगा कि जो आप जिस स्तर पर लगे हुए हो उसी स्तर पर आपको मानदेय मिलेगा। जैसे पंचायत स्तर पर हो या जिला परिषद पर हो या नगर पालिका परिषद पर हो, जिस स्तर पर आप लगे हुए हो उसी स्तर के आधार पर आपको भुगतान मिलेगा दोस्तों। वहीं से आप जाकर के आपको भी इसी प्रक्रिया के आधार पर कार्य करना होगा, एकजुट रहना होगा, संघर्ष करना होगा, उसी के आधार पर आपको वेतन मिलेगा। अब ये राजस्थान सरकार है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब देखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये अपडेट था CHA के लिए। और इसी के अलावा दोस्तों, छोटा या बड़ा जो भी अपडेट होता है हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।